अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब बस करो वर्षा, माना कि वो तुमसे थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब आपकी तारीफ। ये लाजो है, यहाँ रहती है। You mean आपकी धर्म पत्नी? वो भी बोल सकते हैं। अरे कुकु जी, पर्स, माय पर्स, सॉरी गिर गया हाथ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिर गया। मैं तो सिर्फ आपसे कुछ पूछने आई थी। अच्छा, पूछिए। सब्जी मंडी कहाँ है मुरली? यहाँ से सीधे जाना, वहां से लेफ्ट मारना और दूसरे राइट पे गन्ने की एक दुकान होगी। हाँ। उसके पास में एक छोटी सी गली जाती है, उसे पार करो तो सब्जी मंडी। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। थाल बाटी और पूछ। आपको बाजार से कुछ मंगवाना है? हाँ, इनके बालों के लिए हेयर डाई लानी है। हेयर डाई? मारे बालों के लिए? इनकी बदनसीबी तो देखिए, वो नकली बालों वाला विग पहनते हैं और विग के बाल भी पक्के सफेद होने लगे हैं। देखो देखो, ये देखो, ये देखो। मिसेस ओजो, यू आर सो फनी। हाँ, ये तो जोकर है कुकु जी। मारे बाल एकदम असली हैं। चाहो तो खींच कर देख लो। नो 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 मिस्टर ओझा, इट्स ओके। उन्हें सब्जी मंडी जाने दीजिए ओझा जी। बाय बाय। सब्जी मंडी कहाँ है पता नहीं। हाँ? तो डाकिया की तरह पता कैसे समझाया उसे? जैसे समझाना चाहिए था वैसे मैंने तुम्हारी मम्मी को समझाने की कोशिश की शिशिर। बात बात में उसकी सुई आकर कुकू पर अटक जाती है तो मैं क्या करता? पापा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है इसीलिए। तो मैं भी तो करता हूँ ना उससे प्यार, जबकि वो हेमंत माता है, कुड़कुड़ करती रहती है, इंसानी पत्नी की तरह टीर 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 करके दिमाग खाती रहती है, फिर भी मैं उससे। हाँ हाँ, आप तो मुझ पर एहसान करते हैं ना मुझसे प्यार करके। आपकी तो किस्मत ही फूट गई ना कि मैं बीवी हूँ आपकी। मैं 250 साल से जी रहा हूँ ना फूटी हुई किस्मत के साथ। 250 साल का मेरा संसार 2.5 घंटे में हड़प कर लिया उस तेरीली नागिन ने। बस करो वर्षा। क्या जहरीली नागिन? हाँ, वो सिर्फ ऐसे। वो थोड़ी बलखाती हुई चलती है नागिन की तरह, नाजुक अदाओं के साथ। नागिन कह सकती हूँ उसे, लेकिन जहरीली। और मम्मी देखिए ना, कल के बाद पापा कुकू आंटी से मिले तक नहीं। अब फिर बोलो। अब मिलेंगे भी नहीं, है ना वसंत? हेलो मिस्टर घोटाला। हेलो कुकू जी। हाय हेमंत। हाय मिसेस, सॉरी आई फॉरगॉट हर नेम। वर्षा। हाय मिसेस वर्षा, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। एक्चुअली मैं ना मार्केट जा रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी पूछती चलूं कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं आपके लिए ले आऊं। बसंत के लिए लस्सी बनानी थी मुझे तो दही, थोड़ा दही लेते आइएगा आप। लस्सी? हाँ, और एक पैकेट खटमल मारने का जहर। नहीं नहीं, अरे उन्हें क्या देख रही है आप? बसंत के लिए नहीं मंगा रही हूँ मैं, किसी और को गिफ्ट देने वाली।
नहीं, मैंने ये कहा कि आप लाएंगे? Of course ले आऊंगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपके लिए थोड़ा दही और थोड़ी खटपट मारने वाली दवाई है ना। उफ, ये पैक कितना हैवी है। आपको ये चाहिए कुकु आंटी? ये नहीं, मुझे क्यों चाहिए? तो आप कुछ ढूंढ रही हैं हमारे घर में? नहीं, नहीं, मैं क्या ढूंढूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी कोई चीज है भी नहीं ना हमारे घर में। तो मिलेगी भी नहीं है ना? Naturally. ओके, बाय 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 बाय। अब मैं इनके घर में कैसे छुपा पाऊंगी ये ट्रांसमीटर? काश मैं इनको कह पाती कि मैं इनके जरिए मदद मांगने आई हूँ और मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन लगता है मेरी वजह से यहाँ बात बिगड़ी हुई। खैर, उसके बारे में बाद में सोचूंगी, पहले रोनी और ओझा से निपटना है। भावना भाभी, ओ भावना भाभी। काका मुरली, आप बातो श्री श्री घोटाला के घर गई है। अच्छा, हाँ, पर तू ये मोबाइल क्यों छुपा रहा है? कोई एसएमएस आया है के? ना ना, वो अपना वो सोसाइटी का वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो सेक्रेटरी, वो मनु उस कब से परेशान कर रहा है, मेंटेनेंस भर दो, मेंटेनेंस भर दो, ऐसे। अच्छा, मारे को तो लगा कि भावना भाभी का एसएमएस आया होगा ये बताने के लिए कि बसंत और वर्षा के बीच में झगड़ा हो गया है। ना ना काका मुरली, ऐसा होता तो मैं आपको रोनी को पहले खबर नहीं करता है कि हमारा तीर निशाने पे लगा है। अब कुकु जी की मदद के लिए श्री श्री घोटाला आउट और हम तीनों इन। लेकिन तू तो आया नहीं बद्रेश, क्योंकि कुकु देवी की मदद तू अकेला करना चाहे है। और बद्रेश अकेलो चक्को गाड़ी ना चला सके। ओ बाबा, काका मुरली ये क्या बोल रहे हैं आप है? ओ पुंगल, भावना भाभी का एसएमएस हमारे पास भी आया है। बसंत घोटाला की कुकु देवी के घर में नो एंट्री हो गई है, मतलब अब हमारी ऊंट सवारी के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है। दिन दिन तिनक दिन 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 तिनक दिन 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 तिनक दिन 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 तिनक दिन। ये लीजिए शक्कर। वर्षा, ये इतनी सारी शक्कर, हमें तो सिर्फ एक कटोरी चाहिए। समझ लीजिए, आखिरी बार मेरे रसोई से मैं कोई चीज बांट रही। तो बरोबर। ये क्या तो बरोबर, इतनी सारी शक्कर का हम क्या करेंगे? वाह, वो कॉकरोच मारने की गोली बनानी है। कॉकरोच मारने की गोली में तो शक्कर मिलाती है? हाँ बा, उस दिन चखाई तो थी आपको, थोड़ी दी थी कि देखिए इसमें शक्कर सही है कि नहीं। कॉकरोच मारने की गोली थी? हाँ। तो क्यों नहीं? बा, वो आप ऐसे करके चाव सिखा रही थी तो आपका मजा किरकिरा करने का मन नहीं किया। धा किड़ था। ओ मेरी जान की दुश्मन। पाप नाटी भैरवी, चुप करो, ये मेरी गृहस्थी पे रोने का वक्त है। हाँ भैया, पहले तेरा रो लेते। तो बराबर। अरे क्या, चुप, क्या तो बराबर, पहले पूछ तो सही हुआ क्या है। वर्षा भाभी क्या हुआ? मैं बताता हूँ, इसके दिमाग पे बुखार चढ़ा हुआ है,
बेचारी होने का। सोचिए मेरे हैं? मेरे चरित्र पर ये शक कर रही, इसे लग रहा है मेरा उस बेचारी कुकू जी के साथ पापा फाफड़ा। हाँ बोलो। है? आपका कुकू जी के साथ फाफड़ा चल रहा है? लफड़ा चल रहा है, लफड़ा। अच्छा अच्छा लफड़ा। अच्छा अच्छा क्या कर रही है आप? लक्षण तो वैसे ही है इनके, सीरियल में होता है ना वैसे, तो कुकू मुझसे ज्यादा खूबसूरत। और मैं पागल। अच्छा तो वर्षा भाभी संभाल के, कहीं वो कुकू आपके घर पे कब्जा जमा के। क्या वसंत और वर्षा के बीच में झगड़ा हुआ कुकू को लेकर? हाँ रीजा भाभी, और तो और वर्षा भाभी ने अल्टीमेटम दिया मिस्टर घोटारा को कि अगर कुकू से बात भी की और घर से बाहर कदम भी रखा तो 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 तो, तो क्या वसंत मान गया? मान के घर में बैठ भी गया तो तुम इतना खुशी क्यों हुआ? बोलो। मैं किधर खुश होता है मैन? अच्छा अभी जो नायग्रा फॉल्स के माफिक जो तुम मुंह फाड़ के ऐसा हंस रहा था उसको तो हम लोग खुश होने को ही बोलता है, क्यों है ना? यस। या फिर मिस्टर घोटाला घर में कैद है इसलिए कुकू की मदद करने के लिए आपका रास्ता क्लियर, इसलिए आप ऐसा कर रहे थे। इसीलिए पहले भी इसीलिए गृहस्थी जब तक मेरे हाथों में है मैं सारी चीजें बांट रही हूँ। तो बराबर थोड़ा आटा चावल और घी भी दे देना। हाँ धाकिड़ था। ओ भिक्षु भट्ट चुप रहने तू, इसे बढ़ावा क्या दे रही है? क्यों बा, कल आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी अगर तू मायके चली गई तो तेरे मितिश प्रितिश के पापा तेरी जगह किसी और को बिठा देंगे। लेकिन मैं मायके नहीं जाने वाली भैरवी। हाँ तुम अपनी माँ के पास जा भी कैसे पाओगी? तू वहाँ भी सेम है, No return policy. Goods once married will not be taken back. भावनाटी। Sorry. यहाँ मेरे अस्तित्व, मेरे वजूद में हो रहा है बात। बिखरा है मेरा सारा संसार। तब आपके मुंह से हो रहा है मजाक का संचार। कल रात से मौका मिलते ही मेरे मुंह पर ऐसे धड़ाधड़ एक के ऊपर धड़ाधड़ ऐसे भारी भरकम शब्द फेंक रही है। कौन सा था वो? विडंबना, हृदय समर्पण। वर्षा भाभी आप हथियार क्यों डाल रही हैं? इनको समझ में आया ऐसा कुछ बोलना? ये घोटाली है, देख हथियार ढूंढ रही है, नहीं मिलेंगे तो जाकर लेकर आएगी और फिर बिचारी डालने बैठ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि आप लड़िए वर्षा भाभी। रो निकली बिरबल की भतीजी, चुप रहने भाई तू। बा रॉन्ग नंबर फोन रख दीजिए। वर्षा भाभी ठोकर वही खाता है जो जागते हुए भी सोता है। और ये ना भूलना कि घर पे अधिकार अर्धांगिनी का भी होता है। भैरवी लुधियानवी, ये कल रात का एपिसोड था? हाँ, ब्रेक के बाद वाला। अब
अपने तुलसी क्यारे को न्यारा न्यारा कीजिए और जरूरत पड़े तो इस घर का बंटवारा कीजिए। कुछ भी आ, कुछ भी बोलते कुछ भी कुछ भी कुछ भी बोलता है क्या? अब वो लड़के को टाइम हो गया था अटकने का। अरे वो क्या बोलते हैं वो आई हिट राज विद अ स्टिक को हिंदी में कैसे बोलेगा? मैंने वो लकड़ी राज को मारी। हाँ वो कुकू कोई राज को मारी थोड़ी है। इट्स राजकुमारी नॉट राज को मारी। तुम समझा ना मैंने? और तुम भी समझ लो। तुम वो कुकू को मदद करने के वास्ते उसके पीछे दो मिला के पेट पप्पी के माफिक पीछे गया ना तो मैं तुम्हारे प्लीज कुछ भी मत बोलो पप्पी पप्पी एंड ऑल। अरे मैंने आज तक इस घर में तुम्हारा कभी मदद किया है कभी हेल्प किया है? और वो लड़की वो उसका नाम क्या है? मैं कुकू। हाँ वो कुकू तो ब, न, वो अपना वो इतना बोरिंग है तुम यार। आई रेड दैट नोटिस एंड केम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं नोटिस पर आया। हाँ अरे वो चोकरी कुकू पढ़ाया है मैन। वो पढ़ाया होता है मैन नॉट पढ़ाया। अभी तुम समझा ना मैन क्या उसमें घुस रहे हटो इधर से। और मैं उसके घर में क्यों जाएंगा? मैं क्यों काम करेगा उसके लिए? क्यों हेल्प करेगा उसका? गुड बॉय। मैं जाता ही डिटर्जेंट लेने के वास्ते। अरे वहां घोटाला आउट तो मतलब मेरा लाइन क्लियर हो गया। मेरा दिल तो अभी से गाना गाने को लगा है मैन।